आज हम लहसुन का चटपटा अचार बनाने वाले हैं। अगर आप दाल चावल के साथ कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो यह लहसुन का अचार बनाकर आप खा सकते हैं। लहसुन का यह अचार सब्जी रोटी पराठे के साथ भी खाने में अच्छा लगता है। यह अचार जल्दी खराब भी नहीं होगा। इस अचार को आप एक बार बनाकर महीने भर तो आराम से खा सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम लहसुन इसका छिलका छील कर लिया है। लहसुन में पानी नहीं लगे हैं, एकदम सूखे हैं, क्योंकि इसका हम अचार बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम मसाले को भूनेंगे। तो इसमें पहले हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच मेथी दाना, एक छोटी चम्मच पीला वाला राई डालेंगे, एक छोटी चम्मच सौंफ, एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और 3 छोटी चम्मच धनिया डाल देते हैं। सारे मसाले को हम बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर भूनेंगे, जिससे मसाले जले ना और अच्छे से भुन जाएं। इसमें जो मेथी दाना है उसमें कच्चापन न रहे, क्योंकि मेथी दाना थोड़े कड़वे होते हैं, इसलिए मसाले को हम धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। मसाला अच्छे से भुना रहेगा तो इसमें कच्चापन नहीं रहेगा और अचार भी बढ़िया बनेगा। कम से कम मसाले को इसी तरह चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। मसाले जो हैं अच्छे से भुन चुके हैं, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। अब गैस को हम बंद करेंगे और मसाले को एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद मसाले को हम पीसेंगे। मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब इसे हम जार में डालकर पीस लेते हैं। बहुत बारीक नहीं, इसे हम दरदरा पीसेंगे। मसाले को हमने इस तरह से पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं किया है। आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा दरदरा पीसा है। अब फिर से हम चलते हैं गैस की तरफ। अब कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच हींग डालेंगे, इससे अचार का टेस्ट अच्छा बनता है। आधी छोटी चम्मच मंगरैल को डालेंगे, जिसे लोग कलौंजी भी कहते हैं। यहाँ पर हमने 12 से 15 हरी मिर्च इस तरह से काट कर लिया है, इसे भी कढ़ाई में डाल देते हैं। अब हरी मिर्च को हम इसी तरह चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे मिर्च में नमी या पानी हो वो तेल में जल जाए, इसलिए पहले हम मिर्च को फ्राई कर लेते हैं। गैस को हमने मीडियम में किया है, इसे हम जलाएंगे नहीं, बस हल्का से फ्राई करेंगे। इसी में हम स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, जिससे मिर्च के साथ नमक भी पक जाए। अगर नमक हम बाद में डालते तो ये पानी छोड़ देता, इसलिए हरी मिर्च के साथ नमक भी पका रहे हैं। हरी मिर्च को हमने लगभग 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं हरी मिर्च का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब गैस को हम बंद करेंगे और इसका अचार बनाएंगे। पहले इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और जो मसाला हमने पीसा था इसको भी डाल देते हैं। अब मसाले को हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे तो आप चाहे इसमें हरी मिर्च और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च और डालकर फ्राई कर सकते हैं। मसाले को मिलाने के बाद अब इसमें हम लहसुन को डालकर मिलाएंगे। अच्छे से मिला लेते हैं ताकि लहसुन में मसाले पूरी तरह से कोट हो जाएं। ध्यान रहे लहसुन को छीलने के बाद इसमें पानी न लगा रहे, क्योंकि पानी से अचार जल्दी से खराब हो जाता है। तो अचार को पानी और नमी से बचा कर रखें। मसाले को मिलाने के बाद अचार तैयार है, लेकिन अभी ये खाने के लिए तैयार नहीं है। इसको कम से कम 4 से 5 दिन तक धूप दिखाना पड़ेगा। जब धूप में अचार सीज जाएगा तो खाने लायक हो जाएगा। अब इसे हम एक जार में भरेंगे। यहाँ पर हमने 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करके लिया है। तेल गरम करने के बाद इसको हमने ठंडा कर लिया है, जिससे तेल में कच्चापन न रहे। जार को इस तरह से घुमाकर तेल को फैला देते हैं। अगर आपके पास शीशे का जार है तो उसमें अचार को रखें या फिर चीनी के बर्तन में रखें। अब इसमें हम अचार को भरेंगे। अचार को हमने जार में भर दिया है। अब इसे हम 4 से 5 दिन के लिए धूप में रखेंगे। अगर आप जार के ऊपर ढक्कन लगा रहे हैं तो पूरी तरह से इसको न बंद करें। इस तरह से ढक्कन को थोड़ा गैप करके रखें, या फिर ढक्कन के बजाय आप इसके ऊपर कपड़ा लगा सकते हैं। इस तरह से कॉटन कपड़ा लगाकर धागे से बांध दें। इसके बाद धूप में रख दें सीझने के लिए। अचार जब धूप में अच्छे से सीझ जाए तो आप इसे दाल चावल रोटी पराठे के साथ खाइए।
यह लहसुन का अचार खाने में बहुत बढ़िया लगता है। यह अचार महीने भर खराब भी नहीं होगा। अगर आप इसे और समय तक रखना चाहते हैं तो इसमें एक दो चम्मच सिरका डालकर मिला दें, क्योंकि सिरका डालने से अचार जल्दी खराब नहीं होता है। उससे आप अचार को काफ़ी समय तक रख सकते हैं।